अस्सलाम वालेकुम मैं यूटी फैली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता जनाब रात हो चुकी है, नहीं पता पहले हम व्लॉग जनाब सुबह सुबह स्टार्ट करते, लेकिन आज हमने सोचा कि रात का व्लॉग बनाते, कल सुबह कुछ बन जाएगा। तो अभी हमारे साथ जो है ना जनाब शाम का खाना जो है ना वो तैयार होने वाला है। इसमें जनाब भिंडी है, भिंडी कह रहा सॉरी घिया तोरी है, साथ में चिकन है और बस चिकन ही है। अब इसका बनाते हैं जनाब सालन वगैरह स्पेशल वाला, और तारा बरकत हमारे सामने है। हाँ जी, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जलाने लगी हूँ आग सालन बनाने के लिए, तो अभी जलाते हैं आग, देखते हैं कैसे जल्दी है कैसे नहीं। ओ वही जल्दी जी जल्दी है, जिस तरह आप जलती है उसी तरह आग भी जलती है। ओ वैसा इधर है वैसा पट्टे नहीं है ना लाले, वो पट्टे करने पड़े ना। हाँ जी, हमारा चारा जो है ना खत्म हो चुका है, बकरियों का दिन को लेकर आए थे लेकिन वो ना आजकल सही तरह से खाती नहीं है। तो अभी अवैस साहब कुछ करने लगे, बकरियों का हिसाब कर लगाते हैं कुछ ना कुछ। मैंने डाला है अदरक लहसुन और प्याज और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ना फ्राई हो जाए और इसमें स्मेल ना आए। अवैस अदरक लभी यही बकरे की खा गए पुत्र, सही तरह रखे हैं क्यों खावे बकरे। अवैस साहब जनाब अदरक लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ फेंक दिए। अब अदरक के बगैर के चिकन जो है ना वो अजीब सा जायका आता था आपको पता, थोड़ा बहुत ये अदरक ही तो होती है जो वो जायका खत्म कर दिए। थोम करदा थोम ओ थोम दे नाल भी होता है ये नहीं थोम करदा नहीं कम थोम दा चल पानी ले आ दे मानो। माशाल्लाह जी टमाटर वगैरह जो है मैंने डाल दिया है और तड़के वाला सालन जबरदस्त वाला तैयार हो रहा है। क्या बात है भाई क्या बात है। The next morning. Good morning. जनाब सुबह हो गई, रात को हमने सालन वगैरह बनाकर जबरदस्त वाला करके जनाब रख दिया था। ये देखिए आहा। तो अभी जनाब आटा वगैरह गूंद कर रोटी वगैरह जो है ना वो रेडी करते हैं। अभी हम रोटी बनाने लगे हैं, अभी रोटी बनाकर हम खाएंगे स्पेशल। हाँ जी, तो हमारा जनाब ऐसे ही चलता है, रात को सालन बन जाता है, सुबह नाश्ते में हम जनाब खा रहे हैं वो सालन, रात को नहीं खाते, इसलिए जनाब हमने वीडियो ही नहीं बनाई इसके बाद। तो अभी आटा वगैरह गूंथते हैं, उसके बाद थोड़े दिन बेचारे नो सारे इकट्ठा हो गए नहीं थोड़े नहीं वो बाहर भागे सारे, अभी मार जाए थोड़े सोटे ना आटा। चल बस हाँ कालिया तेरी नज़र नहीं पड़ी तो बाजी के जामे मैंने पता तेरा। अभी ना आग जलाने के लिए लकड़ी जो है ना वो हमने जनाब काट कर रखी थी, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, तो इनको जनाब डालते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है ना इससे आग एक बार बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है फिर अचानक ही बंद हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता। अभी जनाब जैसे आप लोगों को पता भैंस हमारी चलेगी, अब दूध जो है ना वो हमें खरीदना पड़ेगा, तो आज चाय बनाने का रहता है तो अवैस साहब को उठाते हैं। अवैस साहब नमाज पढ़ने के बाद सो गए थे, सारे काम छोड़ो अवैस साहब सोनी चेक करो तुम बस। हाथ कितु पाए तो कितने निकलन डे ने आई तो हाथ पाए मैंने आई तो दिया निकलन डे ने आ दिया वे आई तो अभी ना हमारे डॉलर जो है ना वो पूरे नहीं हो रहे तो तारा बरकत मुझसे लड़ना शुरू कर दी कि आप लोगों ने वीडियो क्यों डाली भाई, अब जितना मुझसे बनता था हमने बनाया है ठीक हो गया। अब वैसा हमारा मैं दोनों थे, आप कितना मतलब बोल सकते थे कितना काम कर सकते थे, जो कुछ था वो हमने शेयर किया। बाकी तारा जो है वो भी बंदे जो हैं एक एक बंदा चैनल चलाता है जिनमें औरतें नहीं आती बच्चे नहीं आते, वो अकेले ही बनाते हैं वीडियो, वो क्या ऐसे ही बना लेते हैं। नहीं वो तो फिर मतलब कि ट्रैवल करते हैं चलते फिरते हैं तो ट्रैवल करने का जनाब खर्चा आता अच्छा खासा आता है, घर की वीडियो बनाते हैं जो जिनकी औरतें नहीं आती है। नहीं वो बात ठीक है लेकिन वो उनकी फैमिली बड़ी होती है। मैं रह के आई हूँ लाहौर तो सिर्फ दो वीडियो डाली है क्योंकि तो बनता है पता है कि हमारी यही रोजी है यही रोटी है तो इसमें से ड्रामे करने की क्या जरूरत है। सही है, जितना टॉपिक मिला है मैंने कवर किया है, अब बंदा क्या करे, अकेला बंदा कितना बोल सकता है, अकेला बंदा कितना मतलब शेयर कर सकता है सब कुछ, कुछ भी नहीं। दो तीन बंदे चार पांच हो तो फिर वो हिसाब का सही होता है और बंदा देखता भी है तो उनको भी अच्छा लगता है, बस यही बात थी। बाकी तैयारा तो क्या समझाए बंदा, हूँ तेल खपाना ही निकल गया अगे नहीं तेल मिलता एकदम महंगा तेल होया पे तेल मिलता है पैसे नहीं मिलते वही गल होगी ना। लाइट बंद कर अगली
अभी ना वैसा दूध लेकर आ गए हैं और यकीन मानो ये पानी जो होता है ना उससे भी कुछ ऊपर वाली चीज है, पानी से भी कुछ ऊपर वाली चीज है यकीन मानो। और मिला किस हिसाब से? 200 रुपए लीटर के हिसाब से। हम 150 रुपए के हिसाब से खालस दूध देते ना लोगों को, लेकिन ये देखिए 200। बंदा कितने जावे, दिल तक कर रहा है कि मैं वापस लेके आवा मज भैंस, बाकी कोई नहीं ले आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, खाना मेरा रेडी हो गया, परोठे सालन खैरा बरकत अवैस साहब और साथ में चाहे मजेदार वाली अच्छी वाली तैयार है। यकीन मानो चाय का वो जायका नहीं है जो मतलब ओरिजिनल दूध का आता है, बाकी कोई नहीं क्या करें, मैनेजमेंट करना जैसे भी है करना तो है ही ना। अभी माशाल्लाह जी दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के टाइम में हम जनाब खाते हैं स्पेशल वाले क्या चीज है इसको बोलते हैं जी, तरबूज। तरबूज अदवाना मतीरा। तो ये जनाब बकरियों के लिए काट रहे हैं जो छिलके वगैरह, लेकिन ये अवैध साहब लेने गए थे, लेकिन अवैध साहब थोड़ा सा कच्चा कच्चा लेकर आया। चलो कोई नहीं गुजारा करेगा, अब इसको नमक में लगाना है, लेकिन बर्फ वगैरह डाल दिए ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा, हो गया। बकरियां ही पता लग गया तरबूज। हाँ उन्होंने पता लग गया तरबूज। अभी ना शाम हो गई है, अजान आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है तकरीबन। इतनी गर्मी आज थी यकीन माना पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब गंदम थी ना, गंदम के दौरान जब गंदम पकती है उस दौरान मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन उस दौरान गर्मी पड़ी ही नहीं है, लेकिन इस वक्त आज का दिन रिकॉर्ड है, खासतौर उकाड़े का रिकॉर्ड है, बाकी का मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह अभी आगे गर्मी आएगी, देखते हैं क्या होता है। अभी जो तकरीबन शाम होने वाली है तो चार पाइयाँ जो हमने बाहर निकाल ली हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर बिल्कुल बिना असर के बाद बैठा नहीं जा रहा। तो मैंने इनसे कहा कि बाहर सोते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को भी हम बाहर सोए थे, लेकिन आज हम जो है ना अपना डेली का जो इंतज़ाम है ना बाहर किया करेंगे, बाहर सोया करेंगे। और अभी शाम के खाने में मसाला बना रही हूँ, चने की दाल, वो देखो वो मुर्गिया हट जा, मुर्गिया हट जा, वो पका रहा है साल। अब मुर्गिया हट जा दाल दे मुंह वालिया, ये दाल दे विच दिन मैं किसी को की काम चने की दाल उबाल कर रख दी है, तो अभी मसाला बना रही हूं। साथ में हम जो है ना व्हाइट चावल वो बनाएंगे, इन्होंने कहा जी कि हमें दाल और चावल बना रहे हैं। यस यस बिल्कुल, मूंगी की दाल तो खत्म हो गई है। यस क्योंकि मूंगी की दाल खत्म हो गई थी, चने वाली बना रहे हैं, और व्हाइट चावल खाए हुए काफी दिन हो गए थे, यकीन मानो काफी ही दिन हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज बनाते हैं स्पेशल। हां हटू कोनी है ये जनाब हमने चावल निकाल लिए, ये जनाब अभी और सुबह का नाश्ता, ये जनाब दोनों हिस्से होंगे, थोड़ा बहुत कचरा मचरा थोड़ा बहुत होगा शायद, क्योंकि घर के चावल हैं इसमें थोड़ा बहुत होता है, तो वो निकालते हैं फिलहाल। जैसे कि ये देखें, चेक करें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चावल जो है ना वो जनाब बड़े ज़बरदस्त वाले मैंने कर दिए हैं, कचरा मचरा सब कुछ निकाल दिया, कचरा मचरा सारा कुछ साइड पर कर दिया मैंने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चावल जो है ना हमारे रेडी हो चुके हैं, अवैसा हमारी हेल्प कर रहे हैं लाने के लिए, क्या बात है भाई क्या बात है। अवैसा कितने हो जा रहे हैं दिन ब दिन, की कर रहे हो आजकल, क्या खा रहे हो आजकल मक्खन? क्या बात है भाई। दाल हमने बनाकर पहले रख ली थी, ये घी गणा नहीं पाए तारी, नहीं सही है हुँ? सही है अरे? मेनू लग रहा गाना कोई गाना दिन तो लगता ही है, इनका साल में जो गाना नहीं लगे। चलो फिर ठीक है, बस कर दरबास कर, थोड़े थोड़े खा लो। चलो जी फिलहाल इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे किसी थोड़ी सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की मेहरबान, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का रखें, हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा, बाकी अलग अलग कर्म करेगा। अभी अवैध साहब जनाब रेडी हैं पानी पूरी लेने के लिए, क्योंकि भाई साहब का ये यहाँ पर ड्यूटी लग गया हमारे इर्द गिर्द नज़दीक ही, तो वहाँ पानी लेकर जाना है, तो फिर लोग इसलिए हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। चल पर ओके जी, अल्लाह हाफिज़।